हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज बात करेंगे होंडा एसपी 125 की स्किड की प्रॉब्लम की, जो कि काफ़ी भाई कमेंट में भी बता रहे हैं कि ये स्किड करता है, पीछे वाला टायर स्किड करता है या दोनों कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है तो दोनों स्किड करते हैं। तो भाई मैं बताऊंगा भी कि स्किड करते हैं नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसको उससे कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे उसको ठीक कर सकते हो। तो भाई उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, तो सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो भाई आप। आपको जस्ट एक क्लिक करना है एंड मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस लेके आऊँगा। एंड भाई जो भी आप कमेंट में पूछोगे मैं सबका रिप्लाई भी कर रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो भाई अब मैं बात करते हैं, चलिए इसकी स्किडिंग प्रॉब्लम की। देख लो भाई, ये है अपनी होंडा एसपी 125, जो कि बिल्कुल आप देख सकते हो मैं काफ़ी मेंटेन करके रखता हूँ, क्लीन करके रखता हूँ। और इससे पहले जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि कैसे एरिया में चलती है ये, जिससे आपको हल्का सा आइडिया मिल जाए बस कि अगर मैं इस एरिया में चला रहा हूँ बाइक और फिर भी ऐसी कंडीशन में है, तो आपका अपने हिसाब से आप देख लेना। तो ये है भाई, देखो मेरे गाँव की गली, मेरे घर के बाहर। तो एडवेंचर होता है डेली यहाँ से, जब भी निकलती है और कई बार निकलती है दिन में। सो भाई जस्ट फॉर रेफरेंस ये मैंने आपको दिखाया है, तो आप इस हिसाब से जज कर लेना। अगर आप सिटी वगैरह में सब कुछ ओके है तो फिर तो भाई गज़ब, लेकिन वैसे भी सही चलता है। मुझे होंडा की सभी बाइक काफ़ी अच्छी लगती हैं, स्पेशली इंजन। तो भाई चलिए बात करते हैं अब इसकी ब्रेक की, स्किडिंग प्रॉब्लम की। तो भाई हमें करना क्या है, देखिए अगर आप देख सकते हो ये वाला है इसका एक कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। इसको दोस्तों ये नीचे वाला जो है, जो हम फुट वाला अपना ब्रेक लगाते हैं पीछे से, यहाँ से ये वाला, तो दोस्तों ये नीचे वाला ये कनेक्ट कर रखा है, ऊपर वाला तो फर्स्ट आगे वाले टायर के लिए ही है। तो ये जो पीछे वाला है ये हमारा फुट वाले से कनेक्टेड है। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बाइक्स में देखा है ये भी टाइट होता है, ये वाला नीचे वाला। तो हम जब अपना फुट वाला लगाते हैं दोस्तों ब्रेक, तो उसकी वजह से ये भी प्रॉपर टाइप ब्रेक लगता है। तो भाई आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं और दोनों टायर एक साथ ऐसे जाम हो रहे हैं, तो ये स्किड होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं, जिससे कि हमें चोट वोट भी लग सकती है। सो भाई क्या कर सकते हैं, इसको लूज़ करके रखिए, इतना लूज़ मत कीजिए कि बिल्कुल फ्री हो जाए। ऐसा कीजिए कि पीछे वाला तो रुके बट आगे वाले पे हल्का सा इफेक्ट आए ब्रेक का, तो भाई आगे वाला रोटेट करता रहेगा, हार्ड रोटेट करेगा, लगेगी ब्रेक बट ज़्यादा नहीं, और पीछे वाला तो रुकेगा ही, तो इससे स्किड नहीं होगा दोस्तों एकदम से, तो हम एक्सीडेंट वगैरह से और चोट वोट खाने से बच सकते हैं। तो इसको हल्का सा लूज़ कीजिए, इतना भी नहीं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, आप हल्का सा रेफरेंस ले लीजिए। देखिए अगर वायर की लेंथ सेम ही होती होगी तो बिल्कुल हल्का सा बाहर आइए, देखिए, और ऊपर वाला भी। तो मुझे अभी तक भाई इस एरिया में पूरा मिट्टी है और गिला है, तो मुझे अभी तक कोई भी स्किडिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी स्किड नहीं हुआ है इसमें। तो इससे आप ऐसे करके देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और भाई अभी तक मेरे को सिर्फ यही बताना था आपको, और आने वाली वीडियोस में भाई मैं आपको इसके फीचर बताऊंगा और आपको क्यों होंडा एसपी 125 लेनी चाहिए, या आप होंडा शाइन के लिए भी जा सकते हो। मुझे दोनों बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इसकी स्टाइलिंग तो भाई देख ही रहे हो आप, क्या गज़ब है, ऑल एवर ग्रीन कलर लिया है, जो कि बिल्कुल गंदा होता ही, गंदा भी उतना ही अच्छा लगता है, और नया तो है ही है दोस्तों अच्छा। इसके फीचर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि आप सिर्फ एक ब्लूटूथ या फिर कोई छोटा मोटा फीचर देख के बाइक सेलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए इंजन मेन होता है, इंजन वगैरह देख के और क्या क्या चीज़ देख के आपको लेनी चाहिए। तो प्लीज़ उन सब वीडियोज़ के लिए भाई आपके लिए मैं लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड मैं आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच।